हेलो दोस्तों, अगर आप भी शॉर्ट वीडियो बनाते हो चाहे लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो इस वीडियो एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो शॉर्ट वीडियो को हम हाई क्वालिटी में कैसे यूट्यूब पे वीडियो बना करके अपलोड करते हैं। अगर आपको नहीं पता है किस तरह से हम शॉर्ट वीडियो को हाई क्वालिटी में, मतलब ज्यादा एमबी में, मतलब फुल एचडी में किस तरह से हम वीडियो बना करके अपलोड करते हैं, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के ऊपर ध्यान से देखिए। जैसे ही आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो तो दोस्तों वीडियो का क्वालिटी कम हो जाता है, जिसके कारण आपके वीडियो कोई भी नहीं देखता है। जब नहीं देखता है तो आपका वीडियो वायरल भी नहीं होता होगा और दोस्तों साथ साथ में ना तो उसका वीडियो का इम्प्रेशन जाता होगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हाई क्वालिटी में हम किस तरह से इंस्टाग्राम का वीडियो हो, चाहे शॉर्ट वीडियो हो, चाहे यूट्यूब का वीडियो हो, किस तरह से हम सेव करते हैं। काइन मास्टर से मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम काइन मास्टर से वीडियो का एडिटिंग करके और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद वीडियो का दोस्तों जरा सा भी मतलब एमबी कम नहीं होता है, मतलब हाई क्वालिटी में वीडियो रहता है, फुल एचडी में। तो दोस्तों अभी बने रहना हमारा इस वीडियो में। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने फोन का देखो यहाँ से चालू कर लिया हूँ। चालू करने के बाद मैं आपको सबसे पहले मैं अपने फोन का काइन मास्टर चालू कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं अपने फोन का काइन मास्टर चालू करता हूँ तो देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है हमारे फोन में। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट नाउ का ऑप्शन, इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। उसके बाद बाय चांस मान लो आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो तो दोस्तों आपको इस पे एक बार क्लिक कर देना होगा, नहीं तो आप इस पे भी क्लिक करके यूट्यूब का वीडियो बना सकते हो। तो जैसे कि मैं इंस्टाग्राम का वीडियो बनाऊंगा तो इस पे भी बना सकता हूँ, इस पे भी बना सकता हूँ, लेकिन आपको दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूँ यूट्यूब का वीडियो इस पे बनाओ। तो जैसे मैं इस पे क्लिक किया हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे एक बार, इस पे क्रिएट नाउ पे जैसे इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। जो भी आपने वीडियो बनाए हो, मतलब इंस्टाग्राम के लिए चाहे यूट्यूब के लिए जो भी आपने वीडियो बनाए होंगे, आपके कैमरा मतलब गैलरी में होएगा, तो यहाँ से गैलरी से आपको उठा लेना होगा। जैसे यहाँ से मैंने एक आज वीडियो बनाया था तो मैंने कुछ इस तरह से गैलरी से उठा लिया था। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ से देखो कुछ इस तरह से उठाया था तो हमारे सामने देखो कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद देखो आपके सामने देखो कुछ इस तरह से आ गया, दो तीन वीडियो हमने उठा लिया है। जो भी वीडियो अगर आपको गलत लग रहा है, जैसे कि बाय चांस मान लो हम इस पे क्लिक करते हैं, देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से हर एक वीडियो आ गया। लग रहा है कि हमारा वीडियो का थोड़ा सा पार्ट यहाँ से खराब है, जैसे कि बाय चांस मान लो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से इस वीडियो को मतलब पार्ट को कट करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो लाइनिंग दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये लाइनिंग दिख रहा है रेड कलर का, जैसे कि आ रहा देखो रेड कलर का लाइनिंग, अगर जहां से ये लाइनिंग रहेगा जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं लेयर पे, उसके बाद इस पे क्लिक करना होगा। अगर ट्रिम पे देखो, जैसे कि इस पे हम ट्रिम पे क्लिक करते हैं, जैसे हम लेयर पे पहले क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। बाय चांस मान लो इतना हमें कट करना होगा, कट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले पे हम क्लिक कर देंगे एक बार, इस वाले पे ट्रिम पे, ट्रिम पे जैसे हम एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखो चार ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, बाय चांस मान लो आपके इधर का पार्ट का मतलब इधर का हिस्सा काटना है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा लेफ्ट वाले पे, अगर राइट वाले को काटना है तो राइट वाले पे हम क्लिक करेंगे, अगर आपको बीच से कट करना है तो बीच वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आपको मतलब बीच का पार्ट का कोई फोटो लेना है तो यहाँ से आप फोटो क्लिक करो, इस पे क्लिक करो तो फोटो आ जाएगा। कुछ इस तरह से एडिटिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा, हाई क्वालिटी में कैसे सेव करना होगा वीडियो को, बाय चांस मान लो इसमें कोई इफेक्ट लगाना होगा तो आप इस पे क्लिक करना, जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे कि इस तरह से इफेक्ट लगाएंगे तो जैसे देखो कुछ इस तरह से भी लग सकता है, बाय चांस मान लो इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखो कुछ इस तरह से आएगा बन करके, मतलब इफेक्ट में दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट काइन मास्टर में। काइन मास्टर का मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि कोई भी मतलब वीडियो को हम कैसे फुल एचडी में रिकॉर्ड करते हैं और हम दोस्तों उसको यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद हमारा वीडियो का क्वालिटी कम क्यों नहीं होता है। कुछ इस तरह से आपको एडिट कर देना होगा, एडिट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस वाले पे एक बार हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इस वाले पे क्लिक करते हैं यहाँ से सेव हो जाएगा। क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, बाय चांस मान लो आपके सामने कुछ इस तरह से रहता है, जैसे इस तरह से रहेगा आपके फोन में, तो आपको क्या करना होगा, जैसे इस वाले को दोस्तों आपको बढ़ा देना, जैसे कि इस पे अगर हम सेव करते हैं तो हमारा वीडियो 360 में यहाँ पे सेव होगा, तो थोड़ा सा हम इसको नीचे करेंगे तो 480 में सेव होगा। इस पे क्लिक करते देखो हमारे इतने में सेव होगा, अगर एचडी में क्लिक करोगे तो एचडी में हो जाएगा, अगर हम इसको अगर हाई क्वालिटी में करना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, इस वाले को थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ा देना होगा। जैसे मैं इस पे एक बार दबा के रखता हूँ, दबा के रखने के बाद देखो हमारा कुछ इस तरह से बढ़ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस वाले पे एक बार हम क्लिक कर देंगे,
तो हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप YouTube पे इस वीडियो को अपलोड करो तो आपका वीडियो का क्वालिटी दोस्तों कम नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको भी YouTube पे वीडियो अपलोड करना है, अपलोड करके देख लो आपका वीडियो का क्वालिटी कम नहीं होगा, चाहे शॉर्ट वीडियो चाहे लॉन्ग वीडियो हो।